नमस्कार, यह है वाफैक्स। जंगल में लगे हरे भरे पेड़ जितने आकर्षक होते हैं, उतने ही रहस्य यहाँ छुपे होते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित आओकीगाहारा जंगल तरह तरह के पेड़ों से भरा पड़ा है। इस जंगल में जो भी शख्स जाता है, उनमें से ज्यादातर लोग यहीं पर भटक कर अपनी जान दे देते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइड फॉरेस्ट। दुनिया की तमाम विचित्र जगहों में से एक जापान में एक फॉरेस्ट सुसाइड फॉरेस्ट नाम से भी मशहूर है। इस जगह पर अब तक कई लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की तमाम घटनाएं सुनने और देखने के बाद बहुत से स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का राज है, और वो आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग यहाँ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं? लेकिन एक और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब यहाँ जाकर लोग आत्महत्या कर ही लेते हैं, तो वहाँ जाते क्यों हैं? और ऐसी क्या बात होती है जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है? इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप वाफैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं इस जंगल की सबसे खतरनाक बात। यहाँ कंपास और मोबाइल दोनों ही काम नहीं करते। अगर आपके मोबाइल में GPS है तो उसका भी सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। जंगल में प्रवेश करते वक्त आपको अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचना होगा। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया गया एक कीमती तोहफा है। इस तरह की चेतावनी लिखे हुए बहुत सारे बोर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित ये जंगल करीब 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पेड़ों का अथाह सागर है, जहाँ देखते ही देखते लोग खो जाते हैं, और फिर उन्हें दूर तक ये ही पता नहीं चलता कि आखिर वो आए किधर से थे और अब जा किधर रहे हैं। बताया जाता है कि जंगल की मिट्टी दरअसल ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई है। यही वजह है कि यहाँ कंपास भी काम नहीं करता। आयरन कंटेंट के चलते कंपास की सुई कभी सही रास्ता नहीं बताती है। अगर कोई जंगल में खो गया है तो वो बाहर की दुनिया के संपर्क से पूरी तरीके से टूट जाता है, और उसको बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जंगल के अंदर से रात में चीखने की आवाजें आती हैं। साल 2003 में इस जंगल के अंदर से 105 शव निकाले गए थे। इनमें से कई शव सड़ चुके थे, तो कुछ को जंगली जानवरों ने खा लिया था। बताते हैं कि मोबाइल नेटवर्क और कंपास के काम ना करने की वजह से लोग डर के मारे खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ जापानी लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। अपनी डरावनी कहानियों के पीछे क्या राज छुपा कर बैठा है ये जंगल, ये तो वहाँ के लोग ही जान पाएंगे जो यहाँ जाकर कभी लौट कर नहीं आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वाफैक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।